Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं वीकेंड एंजॉय करने के लिए, जिसके लिए हमने सेलेक्ट किया है रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट और ये मौजूद है हाफ मून बे के करीब। अलखुबर से 50 किलोमीटर की ड्राइव पर वाकया है ये रिजॉर्ट और ये बहुत ही फ़न प्लेस है। यहाँ पर बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर आप पूल की एक्सेस है, उसके अलावा इनका प्राइवेट बीच है, उसके अलावा भी वहाँ पर काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर जो है वो वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। और तकरीबन थोड़ा सा अब टाइम रह चुका है, हम तकरीबन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से यू टर्न हम ले रहे हैं। और लीजिए जनाब, हमारा रिज़ॉर्ट जो है वो आ चुका है। तो चलिए रिज़ॉर्ट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है। ये रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस है, यहाँ पर बस अपना नाम और नंबर वगैरह लिखवा दिया है और अब यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर जो है वो हम जाएंगे रिसेप्शन एरिया पर और फिर आपसे मिलते हैं रिसेप्शन एरिया पर जाने के बाद। कार हमने पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है वो प्राइवेट शेल्स भी हैं और इसके अलावा उनकी प्राइवेट पार्किंग है। अभी हम जा रहे हैं मेन रेस्टोरेंट एरिया की तरफ और वहाँ से जो है वो बच्चों ने कहा है कि हमने स्विमिंग पूल में जो है वो पहले जाकर इंजॉय करना है, उसके बाद हम लंच करेंगे। अब हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए क्योंकि वहाँ से हम जाने वाले हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो मिलते हैं आपसे स्विमिंग पूल साइड पर। इस एरिया में दो स्विमिंग पूल्स हैं, एक जो है वो एडल्ट्स के लिए है और उसके साथ ही एक छोटा सा पूल है जो कि बच्चों के लिए। और ये स्विमिंग पूल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जो है इनके होटल रूम्स हैं एक साइड पर और ये उनके सामने जो है वो स्विमिंग पूल एरिया है और उसकी जो दूसरी साइड है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, वहाँ पर प्राइवेट शेल्स हैं। वो जो सामने आपको छोटा पूल नज़र आ रहा है वो किड्स के लिए है और ये एडल्ट्स के लिए है।
अब लगी हुई है बहुत जोरों की भूख, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया है खाने का और मिलते हैं आपसे खाने की टेबल पर। मज़ेदार सा लंच सर्व हो चुका है। हमने मंगवाए हैं चिकन बर्गर विथ फ्राइज़ और उसके अलावा बच्चों ने मंगवाए हैं नगेट्स प्लेट विथ फ्राइज़। साथ में मौजूद हैं कोल्ड ड्रिंक्स, पानी मौजूद है और स्वीट डिश होगी खाने के बाद। तो लंच बहुत मज़ेदार था और हम एंजॉय करने लगे हैं स्वीट डिश। इसमें हमने मंगवाई है आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम है, ये वनीला आइसक्रीम है। उसके अलावा हमने इनकी मैंगो आइसक्रीम भी ट्राई की थी। और खाना खाने के बाद हमने ले ली है कैपेचिनो और अब हम दोबारा से जा रहे हैं पूल साइड पर और हम जो है इस एरिया को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर से आगे जो अगर हम जाएँ तो यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आपको और चल के जाना पड़ेगा तो आप जो है वो इसका प्राइवेट बीच तक जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर जो है इनकी मेल स्पा, फीमेल स्पा, शैलेज हैं और इनके नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी इनकी शैलेज की जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट साइड पर कि प्राइवेट चैलेज हैं और इनकी जो है वो प्राइवेट पार्किंग भी है। और यही रोड अगर आप सीधी चलते हुए जाएंगे तो एंड में आपको जो है इनका बीच एक्सेस जो है वो मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो है आप पैरासेलिंग कर सकते हैं वहाँ पर, उसके अलावा जो है आप बोट पे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पर इन्होंने बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, तो यहाँ पर अभी जा रहे हैं बच्चे झूले लेने के लिए और बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठेंगे और अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करेंगे। यहाँ पर ये बाइक्स भी जो है वो रेंट पर ले सकते हैं आप 1 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए, और आप जो है वो इनको भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। सनसेट हो रहा है और बहुत ही जो है वो अच्छा लग रहा है ये मंजर आंखों को। अब हम वापस जाएंगे अंदर रेस्टोरेंट एरिया में और वहाँ से जो है बच्चों को हम जूस वगैरह लेकर देंगे क्योंकि इनको प्यास लग रही है। और अब हमारा इरादा है कि हम घर की तरफ जो है वो वापस जाएं क्योंकि वापस जाने में भी हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएं और अपना वीकेंड एंजॉय करें। तो मिलूंगी मैं अब आपसे अगली किसी वीडियो में और नेक्स्ट किसी व्लॉग में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।